हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल मूवी स्टोरी वाला में। आज हम बात करेंगे ऐसे मूवी के बारे में जिसका नाम है द विच पार्ट वन सबवर्जन। इस मूवी में एक लड़की पे एक्सपेरिमेंट करके उसे सुपर गर्ल का पावर दे दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। की शुरुआत में एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम डॉक्टर बेक रहता है। वो एक कमरे में आ रही होती है जहाँ कुछ खून से सने लोग कुछ लोग को मार रहे होते हैं। उन लोग को कहती है कि सर पे मारो, ये ऐसे नहीं मरेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जंगल में भाग रही होती है एक छोटी सी लड़की। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम मिस्टर चाव रहता है, जंगल में किसी को ढूंढ रहा होता है और एक बच्चे को पकड़ के लेके आता है। कार के सामने लाकर उस बच्चे को खड़ा करा जिसमे डॉक्टर बेक बैठी हुई होती है। उस बच्चे से बोलती है तुम्हें उसके पीछे जाने की क्या जरूरत है। फिर वो डॉक्टर बेक को देखता है। दूसरी तरफ मिस्टर चाव भी कहता है हम उस लड़की को ढूंढ लेंगे। उसके बाद डॉक्टर बेक कहती है बेहतर होगा उस लड़की को जल्दी से जल्दी ढूंढो। वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें एक सीन में दिखाया जाता है एक गाँव जहाँ पर वो लड़की गिरी हुई मिलती है एक आदमी को जो वहाँ फार्म में काम कर रहा था। वो उसे लेके अपने घर में जाता है और फिर डॉक्टर को बुलाता है। उसकी वाइफ भी वहीं पे रहती है उसके साथ। उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं उस बच्चे को गोद लेने के लिए। ये मूवी में 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। पर उस लड़की का नाम कोजा यून रखा जाता है और वो अपने गायों के लिए चारा लेने आती है, पर वो ओनर सब मना कर देता है। उसी में उसका बेटा उसके लिए उस चारा रख देता है उसके ट्रक में। उसके बाद वो उसे कहती है मैंने 12 बैग लिए और वो वहाँ से चली जाती है। पीछे से पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि वो अभी 17 की और उसे भी गाड़ी नहीं चलना चाहिए। एक्चुअली वो उसकी फ्रेंड मूविंग की फादर रहते हैं। पुलिस सीन में हमें दिखाया जाता है कोजा यून अपने डैड के साथ बात कर। उसके डैड बोलते तुम्हारी माँ ने अब तक खाना नहीं खाया। वो अपनी माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है आपने अभी तक खाना नहीं खाया, चलिए मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो खाना बना रही होती है। उसके बाद और फिर वो लोग एक साथ खाना खाते हैं। उसके बाद पाया जाता है कोजा यून को निहाने के जस्ट बाद सर्द में दर्द होने लगता है बहुत कसकर। वो इंटरनेट पे सर्च करती है अपनी इस बीमारी के बारे में। अगले सीन में दिखाया जाता है जाई उनके दोस्त मियोंगी उसका इंतजार करते रहती है। यून जस्ट वहाँ पर आती है। मियोंगी उससे पूछती है कि वो गाड़ी क्यों चला 18 के पहले। दोनों बस पचार के स्कूल को जाने कल देती है। मियोंगी एक कंपटीशन के बारे में जाईयून को बताती है जिससे उसके मॉम के ऑपरेशन के लिए पैसा और उसके मुसीबत का हल भी है। जाईयून इस कंपटीशन में जाने के लिए सोचती भी और उस कंपटीशन का ऑडिशन में जाती भी है। सिलेक्शन भी उसका हो जाता है। उसके बाद वो अपने घर जाती है और मॉम डैड के साथ उस ऑडिशन का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखती है। उस टेलीकास्ट में कुछ ऐसा दिखाया जाता है उससे जाईयून के मॉम और डैड बिल्कुल खुश नहीं रहते और उसके लिए परी फील करते हैं। अगले दिन वो दोनों कंपटीशन के लिए सियोल जाने का फैसला करती है और ट्रेन छूटने ही वाली रहती है। जैसे तैसे करके वो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। मियोंगी कहती है कि उसे भूख लगी है और वो जाईयून को भी अंडे खाने के लिए देती है। दूसरी तरफ एक ट्रेन पे बगल में एक लड़का देखकर उन दोनों को हंसता रहता है। उसके बाद वो जाईयून से पूछता है क्या तुमने मुझे पहचाना, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। फिर जाईयून के दोस्त मियोंगी उससे कहते क्या तुम इस हैंडसम लड़के को जानती हो। जाईयून का जवाब होता है नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तभी वो के तरफ हाथ इस तरह करता जैसे लगता कि वो उसे मारेगा मगर वो मारता नहीं है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है हंसते हुए। फिर दिखाया जाता है कुछ लोग ब्लैक कार में आते रहते हैं जाईयून की ओर। जाईयून कॉम्पिटिशन के लिए पहुँच जाती है। डॉक्टर बेक देखती है वही टीवी शो देखते हुए मिस्टर चाव के साथ। डॉक्टर बेक मिस्टर चाव को कहती है तुमने इस लड़की को आखिर में ढूंढ निकाला। मिस्टर चाव बोलते हैं कि डॉक्टर बेक तुमने तो कहा था कि ये मर जाएगी पर ये जिंदा है। ये डॉक्टर बेक बोलती है मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा, देखो तो कितनी बड़ी हो गई है। मिस्टर चाव को बोलती है मुझे ये लड़की किसी भी हाल में चाहिए। कंपटीशन जीत कर बाहर जब निकलते रहती है तभी दो कार वाले लोग आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और जाईयून से बोलते हैं हमें तुमसे बात करनी है, हमारे साथ चलो। पर जाईयून के दोस्त मियोंगी उनकी बात न सुनकर जाईयून को खींचते हुए टैक्सी में लेकर बैठ जाती है। टैक्सी में बैठकर उन लोगों को देखते रहती है और वो लोग भी जाईयून को जाते हुए देखते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे भीड़ के कारण वो लोग उसका कुछ नहीं कर पाते हैं।
खाया जाता है। जायुन ट्रेन में है और उसके बाद वो अपने विलेज पहुंच जाती है। बस का इंतज़ार करते रहती हैं पर बस नहीं आती है। तभी भी बोलती है कि वो अपने डैड को कॉल करती है उन्हें रिसीव करने के लिए, पर जायुन मना कर देती है। पहले से एक ब्लैक कार आकर रुकती है जिसमें वो ट्रेन वाला लड़का होता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ तुम्हारी बस अभी तक नहीं? हाँ मैंने उसे देखा था, वो पीछे पंचर पड़ी है। उनसे बोलता है कि तुम्हारे मॉम डैड बूढ़े हैं, तुम्हें उनके पास होना चाहिए था। तभी जायुन भागती है कि यह सोचकर कि कहीं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। फिर वो कहती है अपने डैड को कॉल करो मेरे घर आने के लिए। जिनमें दिखाया जाता है वो ट्रेन वाला लड़का ब्लैक कार में जायुन के घर के बाहर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ मयूंगी के डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो लोग उस काली गाड़ी को खरीद देखकर उसके बाद वो उन लोगों से उनका आईडी कार्ड मांगते हैं। दूसरी तरफ जायुन भी पहुंच जाती है और वो पुलिस की गाड़ी को खाली देखकर वो डर जाती है। उसके बाद वो घर की ओर भागती है, घर की लाइट भी ऑफ रहती है। तभी घर में इंटर करने के बाद देखती है कि दोनों के डैड एक साथ गेम खेल रहे होते हैं। तभी वो उन लोगों से पूछती है लाइट क्यों ऑफ है। तभी जायुन के डैड लाइट ऑन करने के लिए बोलते हैं। जायुन देखती है कि वो दोनों गेम खेल रहे हैं। उसके बाद मयूंगी के डैड जायुन से पूछते, क्या तुम उन लोगों को जानती है जो वो ब्लैक कार में थे? मुझे वो अजीब से लगे। जायुन कहती है नहीं। हमें अगले सीन में डॉक्टर बेग दिखाई देती है, वहाँ पर मिस्टर चाओ भी आते हैं। चाओ बोलते हैं कि क्या मैंने सही सुना है, तुम हेडक्वार्टर जा रही हो? डॉक्टर बेग कहते हैं हाँ मैं जा रही हूँ, तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। और फिर कहती है तुमने कंपनी के लिए बहुत काम किए, तुम्हें कुछ रेस्ट कर लेना चाहिए, कंपनी तुम्हारा सारा खर्चा देगी। पर मिस्टर चाओ को कुछ जायुन के बारे में पूछता है तो डॉक्टर बेग कहती है हम उसे संभाल लेंगे। तभी अगले सीन में मिस्टर चाओ को किसी एक आदमी के साथ दिखाया जाता है जो कि जायुन के बारे में पूछता है और फिर से उसका हाथ दिखाने के लिए बोलता है। उसके बाद बोलता है अगर तुम उस लड़की का ब्रेन मुझे लाकर दोगे तो मैं तुम्हारा हाथ ठीक कर सकता हूँ, उसे चाहो तो मार दो पर उसका ब्रेन मुझे लाकर दो। तब मिस्टर चाओ गाड़ी में बैठकर किसी को कॉल लगाते हुए चले जाता है वहाँ से। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जायुन और उसकी दोस्त अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रहे होते हैं। उसकी मॉम दरअसल बीमार रहती है, वो जायुन को पहचान नहीं पाती। वो बोलती है ये दोनों लड़कियाँ कौन है और यहाँ बैठकर खा के क्यों नहीं है, कि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी अभी भी छोटी है। और वो कहती है कि मैं उसे बुला कर लाती हूँ, पर जायुन के डैड मना कर देते हैं पहले खा, वो भी खा लेगी बाद में। उसके बाद जायुन के डैड उसकी माँ को उसके उनके कमरे में ले जाते हैं। भी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ जायुन दर्द से बेड पे तड़प रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि घर में कुछ लोग घुसे। तभी वो उठ कर बैठ जाती है और बाहर की ओर रूम से आती है और आते ही उसके हेड कोई गन तान देता है। तभी जायुन देखती है उसके दोस्त भी उनके कब्जे में है और वो उसके नेक पे नाइफ रखे हुए। उसके बाद एक बंदा नीचे सीढ़ी से ऊपर आता है और जायुन को दबिच करके बुलाता है, पर वो कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तभी जायुन पूछती है तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैं नहीं हूँ वो। तब वो आदमी कहता है साबित करो। उसके बाद अचानक से जायुन उसका गन लेती है और सबको शूट करने लगती है। उसके फिर बाद उस आदमी को भी खूब मारती है दीवार में ठिका कर और फिर उसे सीढ़ी से उसे नीचे फेंक देती है। दूसरी ओर जायुन की दोस्त मयूंगी उसे देख रही होती है और देखते साथ उसे पीछे हट जाती है। तभी अचानक से वहाँ वो ट्रेन वाला लड़का आ जाता है अपने साथियों के साथ और जायुन से कहता है देखा मैंने कहा था ना ये तुम्हारी असलियत है। फिर जायुन कहती है तुम क्या कह रहे हो मुझे पता नहीं, तुम क्या चाहते हो, जायुन उसे पूछती है। तभी वो ट्रेन वाला लड़का कहता है हाँ तुम्हें हमारे साथ होगा अगर सबकी सलामती चाहते हो। तो जायुन जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाते जाते जायुन अपनी फ्रेंड से कहती है मॉम डैड का ख्याल रखना। तो हमें दिखाया जाता है जायुन कार में जाकर बैठ जाती है, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चाओ किसी को फ़ोन कर रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ ढेर सारे एजेंट आ जाते हैं। उसके बाद तभी मिस्टर चाओ कहते हैं बस इतने ही, गाड़ी में बैठो सब। और उसके बाद वो लोग वहाँ से बैठ कर चले। तभी दिखाया जाता है जायुन पहुँच जाती है जहाँ से वो भागी थी। दूसरी ओर दिखाया जाता है डॉक्टर बेग जायुन को अंदर आते हुए कैमरे पर देखते रहती है।
तभी मिस्टर चाओ कॉल करते हैं और डॉक्टर वे को उसे इग्नोर कर अपने फोन को फेंक देती। इधर मिस्टर चाओ नोटिस कर रहा होता है डॉक्टर वे को उसे इग्नोर कर रही होती है। फिर मिस्टर वे कहते हैं उसे सबक सिखाना पड़ेगा। तभी वो लोग जाइयून को एक मिरर के सामने लाकर बैठा देते और उसके हाथ बांध देते हैं और कुछ लोग खड़े रहते हैं और बाकी के वहाँ से चले जाते हैं। तभी ट्रांसपेरेंट मिरर से वहाँ डॉक्टर बेग बैठकर जाइयून को देखते रहती है और कहती है तुम कितनी बड़ी हो गई, मुझे लगा था कि तुम अब तक मर गई होगी। जाइयून बोलती है कौन हो तुम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मिरर को देखते हुए। तभी डॉक्टर बेग बोलती है अरे हाँ तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं है, थोड़ी देर को मैं, और फिर उसे इंजेक्शन दिलवा देती है। डॉक्टर बेग के इशारा करते ही एक बंदा खड़ा वहाँ पे इंजेक्शन उसे दे देता है। फिर डॉक्टर बेग जाहून से पूछती है क्या तुम्हें सब याद आया। उधर जाहून को सब फ्लैशबैक में याद आ रहा होता है कैसे उसके ऊपर कैसे कैसे टेस्ट हुए, उसे कैसे लड़वाया गया और कैसे उसके ब्रेन की टेस्टिंग हुई, कैसे उसे इंजेक्शन दिया गया, कैसे उसे ट्रेन किया एक्सेट्रा। उसके बाद डॉक्टर बेग पूछते क्या तुम्हें कुछ याद आया। उसके बाद जाइयून कहती है हाँ तुमने मेरे साथ क्या क्या किया मुझे सब याद आया। दूसरी तरफ मिस्टर चाओ भी रास्ते में था अपने एजेंट के साथ और उधर से वो ट्रेन वाला लड़का भी जाइयून को सीसीटीवी कैमरे पे देखते रहता है। फिर दिखाया जाता है डॉक्टर बेग जाइयून से पूछती है क्या तुम्हें सर में दर्द हो रहा है, ये एक ऐसा दर्द है जो धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को इस लेवल पर ले जाएगा कि जिससे तुम्हारी नसें फटने लगेंगी और तुम्हारे शरीर से खून बहने लगेगा। फिर डॉक्टर बेग क्योर देने की ओर इशारा करती है। जाइयून के बगल में खड़ा एक बंदा उसे क्योर देता है। दूसरी तरफ वो ट्रेन वाला लड़का सीसीटीवी पर देख कर वो समझ जाता कि ये जाइयून एक्टिंग कर रही थी। अभी वो वहाँ से उठ खड़ा होकर अपने साथियों के साथ लैब की ओर चल देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर बेग पूछती है अब कैसा महसूस हो रहा है क्योर लगने के बाद। बोलती है ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है मगर तुम्हें ये हर महीने लेना होगा। जाइयून मुस्कुराते हुए बोलती है बहुत अच्छा लगा, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। फिर जाइयून अचानक से सुपर गर्ल की तरह उठकर उसके बगल में खड़े बंदे को दीवार से लगा देती है और उसका सर फट जाता है। उसके बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद जाइयून गन लेकर उसी ट्रांसपेरेंट मिरर पर मारती है जहाँ पर डॉक्टर वेग खड़ी रहती है, पर वो मिरर बुलेट प्रूफ रहता है, वो आर पार नहीं हो पाता है। तभी वो उसके नज़दीक जाकर गौर से देखती है और पीछे हट जाती है। तभी डॉक्टर वेग कहती है पॉइजनस गैस छोड़ो। उसके बाद वो पीछे की ओर हटते हुए गन ऊपर कर फायर स्प्रिंकलर पर चलाती है जिससे वाटर शावर की तरह नीचे आने लगते हैं। उसके बाद पूरा चैम्बर गैस से भर जाता है और जाइयून अंदर चैम्बर में दिखना बंद हो जाती है। तभी डॉक्टर बेग बोलती है बंद करो इसे, फिर जाइयून नहीं दिखती अंदर। उसके बाद डॉक्टर बेग उसी मिरर के नज़दीक आकर देखती है तो ऊपर का वेंटिलेशन वाला ऊपर का सेलिंग टूटा हुआ होता है। तभी गोलियों की आवाज़ आती है और डॉक्टर बेग के अगल बगल खड़े उसके बंदे मार दिए जाते हैं। तभी पीछे जाइयून जब डॉक्टर बेग मरती है तो पीछे जाइयून उसके खड़े रहती है गोली ताने उस पर, और फिर जाइयून बताती है कैसे उसने ये सब प्लानिंग किया है डॉक्टर बेग तक पहुंचने के लिए। उसे अपने प्लान के बारे में बताती कि वो उसे बचपन से खोज रही थी और कैसे डॉक्टर बेग उसमें आकर फंस गई। तभी डॉक्टर बेग उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर हंसती और कहती है तुम तो बहुत चालाक निकली। तभी जाइयून कहती तुमने मुझे बना ही इस तरह, मुझे कब से उसकी तलाश थी। और फिर डॉक्टर बेग के पैर पर गोली मार कर गिरा देती है उसे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो ट्रेन वाला लड़का अपने साथियों के साथ लैब की ओर बढ़ रहा होता है। तभी मिस्टर चाओ अपने एजेंट के साथ पहुंच जाते हैं और गोली चलाने लगते हैं। तभी उन लड़कों के ग्रुप से एक डोर उखाड़ कर उन पर फेंकता है जो एजेंट ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। फिर होती है मिस्टर चाओ और वो ट्रेन वाला लड़का दोनों एक दूसरे को घूर के देखते रहते हैं। वो वहाँ से हंस कर चला जाता है लैब की ओर। वो ट्रेन वाला लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो उसके ग्रुप के लड़के होते एजेंट के साथ भिड़ जाते हैं और मारापीटी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मिस्टर चाओ कहते हैं सबको गोली सर पर मारो, ऐसे नहीं मारेंगे। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर चाओ भी लैब की ओर जाते हैं और बीच बीच में जब भी वो लड़का दिखता है उस पर गोली चलाते वो बचते हुए फिर लैब की ओर पहुँचता और जाइयून को एक कस का मुक्का मारता है। हमें एजेंट और उन बच्चों के बीच लड़ाई होते दिखाई जिसमें एक लड़की रहती है जो उसे नाइफ से पूरे सबको मारती है। दूसरी ओर जाइयून
डॉक्टर बेक को घसीटते हुए ले जाती है। तभी वो ट्रेन वाला लड़का आ जाता और जायुन को कसकर एक पंच मारा, जिससे जायुन दूसरी तरफ गिर जाती है। के बाद जायुन उठ खड़ी होती है और उसे बोलती है, वाह तुम तो बहुत ताकतवर हो गए। तो वो ट्रेन वाला लड़का बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, मैं पहले जैसा नहीं रहा। फिर जायुन पलक झपकते ही अपने सुपर पावर का इस्तेमाल कर उसे दीवार से लगा देती है और कहती है, तुम पहले ही जैसे हो, ढीले स्लो। फिर उस लड़के को नचा कर नीचे की ओर फेंक देती है। लड़का उठ खड़ा होता और जायुन से भी बदला लेता है और उसे भी एक पंच मारता है, जिससे जायुन नीचे की ओर झुक जाती है, बैठ जाती है। और दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये अच्छा खासा देर चलता है फाइटिंग। उस लड़के को एक लात मारते जिससे वो दीवार तोड़ते हुए दूसरे दीवार की ओर जा गिरता है। जायुन अपने सुपर पावर का यूज कर गन उठाती है और डॉक्टर बेक के दूसरे पैर में गोली मार देती है जब वो भागने की कोशिश कर रही थी। के बाद उस ट्रेन वाले लड़के को मारने की कोशिश करती है, वो वहाँ से उछलकर दूसरे दीवार पर वो राउंड चढ़ते हुए उसके बाद वो भी एक गन उठाकर जायुन की ओर गोली चलाता है। जायुन ताकतवर रहती है उस ट्रेन वाले लड़के से, लास्ट में उस पर भारी पड़ जाती है। उसके बाद अचानक से कहीं मिस्टर चाओ आ जाते हैं और उस जायुन को मारते हैं। बोलते हैं कि तुम लोग अच्छे शैतानों की तरह क्यों नहीं रहते हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मौत दूंगा दोनों को। तभी डॉक्टर बेक बोलती है, मार डालो दोनों को। तभी पीछे से वो लड़की चाकू लेकर डॉक्टर बेक के गले पर रख देती है और बोलती है, कैसे मारेगी। मिस्टर चाओ उस लड़की के हेड पर गोली मारते हैं और डॉक्टर बेक डर जाती है। तभी वो बोलती है, बहुत अच्छे मिस्टर चाओ, मैं आपसे आपकी सिफारिश करूँगी हेडक्वार्टर। वैसे ही मिस्टर चाओ डॉक्टर बेक को गोली मार देते हैं। तभी उसके बाद मिस्टर चाओ बोलते हैं, तुम जैसी औरतों से मैं बात नहीं करता। तभी फिर वो लड़की फिर से आ जाती है। इस दूसरी बार मिस्टर चाओ उसे पकड़ कर अपने लातों से मारते हैं। उसे मारने के बाद जब दूसरी तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ से जायुन गायब रहती है और सिर्फ वो लड़का बैठा हुआ रहता है। जायुन दूसरी तरफ उन पर गन तान कर खड़ी रहती है। फिर जायुन मिस्टर चाओ को भी मार देती है। जब जायुन दूसरी तरफ देखती है तो वो लड़का खड़ा रहता है जायुन से लड़ने के लिए। फिर जायुन कहती है, अब हम दोनों ही बचे हैं लड़ने के लिए। तब वो लड़का उसे एक वो दवाई का उसे वो क्योर का ऐसे दिखाता है और बोलता है कि ये तो नहीं बता सकता हूँ कहाँ। तो जायुन पूछती है, कहाँ है बता दो, नहीं तो तुम्हें मार दूंगी। तभी वो कहता है कि जब लास्ट में तुम बच जाओगी तभी मैं तुम्हें भी बताऊँगा। जायुन उसे फिर पूछती है, कहाँ पर है कि और बता दो। तो वो पूछती है, तो वो बताता है हेडक्वार्टर के लैब में है। फिर वो पूछती है, लैब में कहाँ। तब वो लड़का कहता है, मुझसे लड़ो, अगर तुम बच गई तो ही मैं तुम्हें बताऊँ। उसके बाद वो क्योर का बॉक्स उठाकर वो चल देती है वहाँ से। उसके बाद जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से अपना चलते जाती है और सीन में दिखाया जाता है लोग जहाँ तहाँ ऐसे ही मरे पड़े होते हैं। उसके बाद वो कार में जाकर बैठ जाती है और दौदरबाद बिल्डिंग भी ब्लास्ट होने लगती है। उसके बाद वो अपने घर की ओर पहुंचती है तो वहाँ पे उसको बहुत सारा पुलिस वाला देखने को मिलता है। यहाँ पे वो लोग जायुन के घर के सामने खड़े रहते हैं। उसके बाद जायुन डायरेक्ट हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसकी माँ बेड पर पड़ी हुई रहती है और डैड उसके बगल में बैठे हुए रहते हैं। उसके डैड कहते हैं उसकी माँ को देखते हुए, तुम आ गई, हमने तुम्हें ऐसे नहीं पाला, अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। तब वो अपने माँ के लिए वो दवाई जो लेके आई थी वो माँ के बेड पे रखकर अपने डैड को कहती है कि इसे हर महीने माँ को देते रहेगा, माँ की तबीयत ठीक रहेगी। डैड पूछते हैं, क्या तुम्हें इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं। तो वो कुछ दवाइयों को अपने हाथ में दिखा कर कहते, नहीं मुझे बस इतनी ही दवाइयों की ज़रूरत है। बाद दिखाया जाता है कि म्यूंगी एक चेयर पर बैठी हुई होती है। फिर उसे एहसास होता है, तभी वो उठकर विंडो से बाहर देखती है तो जायुन उसे बाय करते रहती है। फिर वो बोलती है, जल्दी आना। तभी हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक आइसलैंड पे बीच के किनारे एक सुंदर सा घर दिखाया जाता है जहां पे बॉडीगार्ड गार्ड कर रहे होते हैं। वहां पे एक बिल्ली भी होती है, जायुन की फाइल पढ़ रही होती है, अपनी नजरे उठाती है तभी जायुन की बिल्ली के साथ उसके सामने बैठी हुई होती है। दरअसल वो लेडी डॉक्टर बेक की बहन होती है। उसके बाद वो जायुन को देख कर बोलती है, तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है। तब जायुन कहती है, मुझे भी यार तुम्हारी ही तलाश
है। उसके बाद जाइयून उसे बहुत सारे क्योर का बॉक्स दिखाती है। तभी डॉक्टर बेक की सिस्टर कहती है तुम इसी की तलाश थी, तो जाइयून बोलती है मुझे परमानेंट क्योर चाहिए, किसी ने मुझसे कहा है तुमसे मिलने के लिए। तभी बगल में एक लड़की आकर खड़ा हो जाती है। तभी जाइयून बोलती है अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगी। तभी मूवी खत्म हो जाती है।